अब आप अपने टीवी का रिमोट अपने टाटा स्काई रिमोट में कॉन्फ़िगर करके एक रिमोट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दो रिमोट को कुछ इस तरह अलाइन करिए। पावर बटन कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम अपने टाटा स्काई रिमोट को कॉन्फ़िगर मोड में डालेंगे। यस, इसका एक की कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सिलेक्ट जो है उसको और नंबर दो, सिलेक्ट और नंबर दो, इन दोनों को साथ में दबाइए और कुछ 3 से 4 सेकंड तक दबाकर छोड़ दीजिए। सिलेक्ट और दो को साथ में दबाकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि इसकी ये लाइट चालू हो गई है। इसका मतलब ये कि ये रिसेप्टिव मोड में आ गया है और अभी आप इसको अपने टीवी के रिमोट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्योंकि अब हमें सबसे पहले पावर बटन कॉन्फ़िगर करना है ताकि आप इससे अपना टाटा स्काई भी स्विच ऑन कर सको और टीवी बोथ। तो इसको हम सबसे पहले पावर बटन दबाएंगे और बाद में टीवी का पावर बटन दबाएंगे। आपने देखा लाइट 2 बार ब्लिंक हुई, इसका मतलब इसने ये कमांड एक्सेप्ट कर लिया है। उसी तरीके से हम वॉल्यूम अप बटन दबाएंगे और टीवी का भी वॉल्यूम अप बटन दबाएंगे। अब आपका वॉल्यूम अप भी कॉन्फ़िगर हो गया है। उसी तरीके से वॉल्यूम डाउन बटन दबाइए, वॉल्यूम डाउन बटन दबाइए, वॉल्यूम डाउन भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हमारा ये रिमोट कॉन्फ़िगर हो चुका है और मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा। यदि आपको आपकी टीवी चालू करनी है तो आप सबसे पहले यूनिवर्सल दबाएं। यूनिवर्सल दबाते ही आपकी ये लाइट कॉन्स्टेंटली चालू हो जाएगी। इसका मतलब कि अब ये टीवी मोड रिमोट में आ चुका है और अब आप इसको स्विच ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये टीवी अब चालू हो गई है। ये कोई भी ब्रांड की टीवी हो, डजन मैटर। अब आपको डिश टीवी चालू करना है, सॉरी, अब आपको सेट अपना टाटा स्काई चालू करना है तो आपको इसको यूनिवर्सल मोड से बाहर निकालना है। आपने देखा, यूनिवर्सल मोड से बाहर निकालते ही इसकी लाइट जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब अब आप अपना टाटा स्काई यूज़ कर सकते हो। तो अब हमने पावर बटन दबा के टाटा स्काई भी चालू कर दिया और ये देखा आपने कि टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स इज़ अप एंड रनिंग। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल है। टीवी ऑपरेट करना है तो यूनिवर्सल दबाइए, लाइट चालू हो जाएगी। इससे आप टीवी का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अब जैसे कि अब टीवी ये स्विच ऑन है और इसको यदि स्विच ऑफ करें हम, तो कुछ इस तरीके से। अब टाटा स्काई को अगर हमें स्विच ऑफ करना है तो हमने इसको यूनिवर्सल बोर्ड से बाहर निकल के, टाटा स्काई भी स्विच ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने टाटा स्काई रिमोट को एक यूनिवर्सल रिमोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपना टीवी और टाटा स्काई दोनों एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो और सुझाव पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक